चलिए हम एक प्रोग्राम करके देख ही लेते हैं यहाँ पे। ओके तो चलिए हम यहाँ करते हैं, हमने दो लेंथ इनटू ब्रेथ की बना ली, हमने किया हम यहाँ पे एक और चीज डिफाइन कर लेते हैं अंदर में, इंट एरिया इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉल स्ट्रिंग इंटरपोलेशन हम लोग यूज करेंगे। हम लोग ऐसे कर लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज स्ट्रिंग इंटरपोलेशन एरिया। ये देखो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम इससे बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे टैब स्पेस हमने यहाँ करना है सॉरी मैं आप लोग एक चीज बताना भूला, जब हम ये प्रिंट यूज करेंगे ना, जब हम रिटर्न कुछ नहीं कराएंगे तो हम यहाँ पे यूज करेंगे वॉइड। ओके वॉइड मतलब होता है कुछ नहीं, एम्प्टी। ओके तो हम यहाँ पे पास कर लेंगे, हम कर लेंगे फाइंड फाइंड एरिया के अंदर लेंथ इनटू ब्रेथ हमें डालना है, तो हम डाल लेते हैं लेंथ हम डाल लेते 3 और ब्रेथ हम डाल लेते हैं 4। ओके चलिए रन करके देखते हैं इसे क्या होता है। ये देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 12। मैंने एक बार कर लिया यूज, फिर से मुझे यूज करना है भाई, फिर से मुझे यूज करना है। फिर मैं यहाँ पे डाल दूंगा 4, यहाँ मैं डाल दूंगा 5। ओके चलिए फिर से हम करते हैं डिबग, ये देखिए फिर से आ गया। तो फंक्शन का मेन काम यही है कि आप एक बार डिफाइन करो बार बार यूज करो, एक बार डिफाइन करो बार बार यूज करो। तो हमने ये इससे कर लिया, प्रिंट से कर लिया, अब चलिए हम फिर रिटर्न से कर लेते हैं यहाँ पे। हम अब देखो मैंने आपको बताया था ये कंपलसरी नहीं, आप इसे हटा भी सकते हो। ठीक है मैंने इसे हटा दिया, अब मैं यहाँ प्रिंट की जगह मैं रिटर्न लगा देता हूँ। ठीक है मैं रिटर्न लगा लेता हूँ, मैं यहाँ करा दूंगा रिटर्न 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 मैं करा देता हूँ यहाँ पे एरिया। ओके एरिया ओके आपने यहाँ करना होगा, यहाँ पे मैं इसे ले आता हूँ। ठीक है प्रिंट प्रिंट हमें करना होगा इसे ऐसे, प्रिंट फाइंड एरिया। अब हमें प्रिंट के अंदर इसे डालना होगा। ठीक है तो पिछले बार हम लोगों को यूज नहीं करना पड़ रहा था, इस बार हमें प्रिंट के अंदर इसे डालना पड़ा क्योंकि पिछला हमने प्रिंट ऊपर ही यूज कर लिया था। ओके तो वो ऊपर से ही कैरी कर ले रहा था फंक्शन से ही और इसे प्रिंट कर दे रहा था, बट इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार हमने ऊपर बोला सिर्फ तुम रिटर्न करो ये चीज। ठीक है मैं प्रिंट नीचे करा लूंगा, मुझे जो प्रिंट कराना हो मैं नीचे प्रिंट करा लूंगा। ओके तो ये देखो कौन सा, ये 12 प्रिंट हो गया। ओके अब है कि चलो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज कर लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। दो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, चलिए स्ट्रिंग इंटरपोलेशन याद है ना कैसे करते हैं, हमेशा इसे याद रखिएगा, बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है और सारे जगह यूज आने वाली। ओके तो हमने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी यूज कर लिया, चलिए इसे भी अब डिबग कर लेते हैं। चलिए द एरिया ऑफ ट्रायंगल 12। ओके तो मैंने आपको दोनों तरीके से करके बता दिया, रिटर्न टाइप का यूज करके, रिटर्न टाइप का यूज नहीं करके, पढ़ा के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है चलिए तब तक के लिए इतना ही।